हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास हमारे यहाँ पे 30 किलोमीटर पे जो भगूड़ आया है उसके पास में एक हमारा दोस्त है गुंदणा में, तो उसका दो बॉक्स ऐसा आईकॉन का रिपेयर होने के लिए आया है दोस्तों। तो उसमें आपको यहाँ से ऑन करके आपको समस्या इसकी बता देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे बूट लोगो पे अटका हुआ है, लोगो पे अटका हुआ है दोस्तों। और इसमें मैंने सॉफ्टवेयर भी बदल के चेक किया, तो उसका कहना था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे, तो ये वाला सॉफ्टवेयर मैंने दूसरा यहाँ पे देख सकते हो स्मार्ट बॉक्स का इसमें सॉफ्टवेयर किया है। तो अभी फिलहाल दोस्तों इसमें दूसरा प्रॉब्लम है, तो अभी मैं यहाँ पे फटाफट से इसे खोल लेता हूँ। यहाँ पे खोल के रखा है, तो फ्लैश आईसी को मैंने यहाँ पे उतार कर प्रोग्राम किया था, लेकिन अभी प्रॉब्लम हमें मिला नहीं है। तो अभी देखना है, मुझे भी अभी पता नहीं है, कभी कभी मैं पहले देख लेता हूँ। तो अभी हमें चेक करना है पहले, तो यहाँ पे मीटर को मैं रख देता हूँ और सभी वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप पहले चेक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बॉक्स को मैंने ऑन कर लिया है, तो अभी यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करता हूँ पहले। तो अभी मीटर में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट ओके बन रहा है। तो दूसरा यहाँ पे 3.3 वोल्ट, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी ओके बन रही है यहाँ पे। और दूसरा मैं यहाँ पे 1.8 वोल्ट चेक करता हूँ दोस्तों, तो 1.8 वोल्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट हमें मिल रहा है। तो दूसरा यहाँ पे 1.1 वोल्ट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, तो दोस्तों ये वोल्ट भी हमें ओके मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ, अभी कंटिन्यूटी में रखता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, शायद आपको दिखे। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा 160 के करीब में आना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों रीडिंग इसकी बता रहा है 50 ओम्स में। तो आईसी हमारा ये ख़राब है दोस्तों, तो फटाफट से मैं आईसी को बाहर निकालता हूँ और पहले साफ कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो GX6705H मॉडल का आईसी लगा हुआ है। तो अभी दोस्तों इस आईसी को मैं बाहर पहले निकलता हूँ और उसके बाद में दूसरा आईसी लगा के चेक करेंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा लेता हूँ। तो अभी दोस्तों आईसी को मैं धीरे धीरे यहाँ पे हीट लगा के यहाँ पे आईसी को बाहर निकालता हूँ। अभी दोस्तों आईसी को यहाँ पे रख देता हूँ मैं, और आपके सामने दूसरा आईसी ले लेता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मेरे पास आईसी है, इसमें वीडियो का प्रॉब्लम है, हमारा बॉक्स फिर भी चेक हो जाएगा, लेकिन पहले हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। अभी प्रॉपर सभी वोल्टेज में पहले चेक कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे सब कुछ मैंने चेक कर लिया है, तो अभी दूसरा आईसी यहाँ पे मैं बिठाता हूँ। तो अभी मल्टीमीटर में यहाँ पे जो हमारी रीडिंग आती थी वो चेक करवा देता हूँ पहले दोस्तों। तो अभी यहाँ पे मल्टीमीटर को सही से आपको दिखे, तो यहाँ पे दोस्तों
देख सकते हो हमारा शॉर्टिंग था वो चला गया है, तो अभी यहाँ पर पलट के चेक कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अभी दोस्तों आईसी को मैं बिठा लेता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे से यहाँ पे इस तरीके से हमें बिठाना है। तो अभी दोस्तों आईसी को ठंडा होने देते हैं। तो अभी यहाँ पे शॉर्टिंग हमारा यहाँ पे देखना पड़ेगा, आईसी तो हमने बदल दिया है, तो अभी यहाँ पे शॉर्टिंग चला गया या नहीं तो अभी देख सकते हो दोस्तों। और अभी ए रीडिंग हमारी यहाँ पे देखिए, तो अभी ये हमारा परफेक्ट ओके हो चुका है, आईसी हमने डाल दिया, शॉर्टिंग चला गया। तो अभी एक बार ऑन करके मैं देखता हूँ, तो अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें HDMI में हमारा पिक्चर नहीं आ रहा है, तो ये भी में तो आ रहा है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे बॉक्स हमारा पूरी तरीके से ऑन हो चुका है, तो अभी आपको टीवी स्क्रीन में दिखाता हूँ, तो अभी देख सकते हो। तो वीडियो का दोस्तों एक प्रॉब्लम तो है, तो अभी एक बार ऑफ करके यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो अभी दोस्तों चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे आईसी को हीट किया, क्योंकि प्रॉब्लम तो इसमें सिग्नल का तो है ही थे। अभी यहाँ पे आपको एक बार पिक्चर दिखा दूँ, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, तो 2 मिनट इसमें पिक्चर आता है, और प्रॉब्लम तो इसमें वीडियो का ही है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हो, तो पहले हमारा लोगो पे अटका हुआ था, तो अभी आप देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।